आसमान में देखी गई पांच अजीबोगरीब घटनाएं। नंबर पांच, रहस्यमय आवाजें। डियोन विसेरेत ने ये वीडियो मई 2015 में पब्लिश किया, जिसका टाइटल था आसमान से आती हुई डरावनी आवाजें। इस वीडियो में उसने बताया कि दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर लोगों को आसमान से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने की खबरें आ रही हैं, जिनमें से कुछ आवाजें तेज हॉर्न की तरह सुनाई देती हैं। तो कुछ किसी शेर की दहाड़ की तरह, और कुछ को सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये आवाज किसी हॉरर मूवी से आ रही है। बता दें कि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये आवाजें आखिर किस वजह से सुनाई दे रही हैं। वैसे कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ये आवाजें पृथ्वी के वातावरण में घूमती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पैदा हो रही हैं, और कुछ लोगों के अनुसार ये कयामत के दिन की शुरुआत है। नंबर चार, आसमान से गिरता हुआ बादल। रीसेट टीवी नामक यूट्यूब चैनल ने ये वीडियो अगस्त 2011 में अपलोड किया, जिसमें एक अजीब सा बादल काफी नीचे उड़ता हुआ दिखाई दिया। रीसेट टीवी के अनुसार इसके पीछे दो लाइट्स भी दिखाई दे रही थी, और ये बादल अपनी शेप भी बदल रहा था। कुछ ही देर में ये बादल उड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है, जिसको कार ड्राइव करते हुए एक अन्य व्यक्ति ने भी अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया। इस व्यक्ति ने अपना हाथ इस बादल जैसी चीज में डालकर देखा तो महसूस हुआ कि ये पूरी तरह से धुएं से बना है, मतलब कि ये कोई बादल तो नहीं था। पर फिर ये आखिर था क्या? अगर आप समझ पाए हो तो वीडियो पूरा होने पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर तीन, सन डॉग। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसको पहली बार देखने पर कोई भी आसानी से डर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का ये अद्भुत नजारा अपने आप में बेहद अनोखा है। इसे सनडॉग या फिर मॉक्सन भी कहा जाता है, जिसके दौरान सूरज के चारों तरफ गोलाकार रोशनी दिखाई देती है, और ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना भी है जिसको कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकता है। सनडॉग्स के बनने की वजह है सूरज की रोशनी के वायुमंडलीय आइस क्रिस्टल से टकराना बताई जाती है, जिससे लाइट बैंड होकर सूरज के चारों तरफ दिखाई देती है। बता दें कि ये नजारा ज्यादातर सुबह के समय देखा जाता है, और पृथ्वी के अलावा अन्य कई ग्रहों पर भी इसका दिखना मुमकिन है। नंबर दो, दो सूरज। क्या आपने कभी आसमान में दो सूरज देखे हैं? खैर, मार्टिन मिकस ने कुछ ऐसा ही देखा और उसे कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया, जिसमें एक नहीं बल्कि दो सूरज एक साथ दिखाई दे रहे थे। मार्टिन मिकस का कहना है कि ये किसी तरह का लेंस ग्लेयर नहीं है, और ना ही इस फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। मार्टिन के अनुसार नासा हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। मार्टिन के इस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो दो सूरज देख रहे हैं, और कुछ ने कमेंट किया तो ये दूसरा वाला सूरज नहीं बल्कि चांद था। वैसे आपको क्या लगता है ये क्या था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर एक, उड़ता हुआ साया। यूट्यूबर जे लेविस ने ये अजीब वीडियो जुलाई 2016 में पब्लिश किया, और इस वीडियो के नीचे लेविस ने लिखा कि दोपहर 5 बजे मुझे मेरी खिड़की से बाहर एक अजीब साया आसमान में लहराता हुआ दिखाई दिया, और 15 मिनट के बाद ये साया हवा में गायब हो गया। लेविस का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे देखने से पहले ये साया कितनी देर तक यहाँ मौजूद था, लेकिन इसको देखकर मुझे बेहद डरावना एहसास हो रहा था। लेविस के इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने इसे कोई परग्रही प्राणी बताया, तो कुछ के अनुसार ये महज एक पतंग थी। तो ये थी आसमान में देखी गई कुछ अजीब और गरीब घटनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।